हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई द सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस। सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस को अप्लाई करने के लिए वो मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पे जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी थोड़ा सा रोल प्ले करेगा, बट सिंपल शब्दों में बात करें तो बेसिक जो एज लिमिट है सीएसआईआर नेट को के लिए, जेआरएफ, याद रहे कि दो कैटेगरीज हमने बात करी थी, एक कैटेगरीज थी जेआरएफ, है ना, एक कैटेगरी क्या थी, जेआरएफ था, और दूसरा कैटेगरी क्या था, वो था आपका एलएस, जेआरएफ फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आप पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है, और दूसरा है लेक्चरारशिप, जिसमें कोई फेलोशिप नहीं मिलती, सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक, ये दो कैटेगरीज थी, जेआरएफ एज वेल एज एलएस। सवाल ये आ जाता है कि अगर एज लिमिट बात की जाए तो जेआरएफ के लिए क्या है और एलएस के लिए क्या है। फॉर एलएस यानी लेक्चरारशिप के लिए देयर इज नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है एलएस के लिए। और इसका जो आपको स्कोर कार्ड मिलता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो ताउम्र वैलिड भी रहता है, मतलब ये जो है लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। अगर आप एक बार भी क्वालिफाई कर लेंगे तो एलएस आप लाइफ टाइम के लिए चलेगा। जीआरएफ के स्कोर कार्ड की वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 साल ही होती है। फिलहाल के लिए अगर मैं इस पे बात करता हूँ जीआरएफ के लिए एज लिमिट के लिए, तो वो क्या है, वो है 28 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरीज। जनरल कैटेगरीज के लिए, और जनरल में भी सिर्फ मेल, किसकी बात की जा रही है, मेल की। तो जनरल कैटेगरीज में जो है वो सिर्फ मेल की बात की जाए तो 28 साल है। जैसे ही बात करते हैं जनरल कैटेगरीज में फीमेल के लिए, तो 28 में से उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, और लगभग 33 साल जो है वो आपको जनरल कैटेगरीज फीमेल में आ जाते हैं। और साथ ही में कैटेगरी वाइज एससी एसटी या ओबीसी हो तो भी आपको यही कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है वो कितना मिलता है, एज रिलैक्सेशन लगभग 5 ईयर्स। तो 28 ईयर्स जो आपको था, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 33। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो 33 साल तक आप दे सकते हैं अगर आप जनरल मेल नहीं है तो। ठीक है, लगभग एज लिमिट जो है ये है। अगर आप जनरल मेल हैं, मतलब मेल है और जनरल कैटेगरी में फॉलोअप करते हैं, तो लगभग 28 साल जो है आपकी आयु सीमा है। आयु सीमा मतलब इस आयु तक, इस एज तक जो है आप सीएसआईआर एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रही छोटी सी इंफॉर्मेशन जिसमें आप चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट। याद रहे, एक बार फिर मैं बता दूं कि एलएस जो है वो किसी भी उम्र तक दे सकते हैं, और जेआरएफ के लिए ये आयु सीमा लिमिट होती है 28 साल जनरल मेल कैटेगरीज के लिए, फीमेल और कैटेगरी वाइज के लिए लगभग 33 ईयर्स जो है वो होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली तो कमेंट बॉक्स में बताइए, दोस्तों तक शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।